आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में आज आजादी के दीवाने और प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उनके प्रसिद्ध नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे को बुलंद करते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का संकल्प भी लिया है। पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष वसीम राजा, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामकीर्ति शर्मा, सेवा दल अध्यक्ष अनामिका दुबे, लियाकत अली, दिलीप गौतम, सगीर खान, विजय तिवारी आदि उपस्थित रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा हम सारे पदाधिकारियों ने देश की आजादी के दीवाने आजाद हिंद फौज के नेता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आज जिस तरीके से देश के हालात हो रहे हैं उनसे आज हम सारे नौजवानों को, देश के युवाओं को ये सीख लेनी चाहिए कि एक आज़ादी की लड़ाई फिर छेड़नी चाहिए। नेताजी आज सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस तरीके से संघर्ष किया है और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका है, आज फिर से नौजवानों की आवश्यकता है कि इस देश के लिए एक नई आज़ादी की लड़ाई लड़ें। हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपने नेता सुभाष चंद्र बोस को और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।